नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, बहुत 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 बढ़िया वाला स्वागत है। तो मैं लेकर आ गई हूँ YouTube की चटपटी न्यूज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है वो है ट्रिगर्ड इंसान की। ट्रिगर्ड इंसान और पायल जोन का रिश्ता तो आप जानते ही होंगे, दोनों का कुत्ते बिल्ली वाला जुड़ रहा है। खैर, मैं यहाँ किसी को वैसे वो नहीं कर रही हूँ, गाली वगैरह नहीं दे रही हूँ। मतलब जैसा कुत्ते बिल्ली का लड़ाई वाला होता है ना कि एक दूसरे को देख कर फूटी आँख नहीं सुहाते, वही काम इन दोनों का है, वो वाला काम है बस, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। ये मतलब इस चीज़ को हेट मत समझना, ये सिर्फ मैंने एक वो है ना मुहावरा मारा है। तो ट्रिगर्ड इंसान ने पायल जोन को कर दिया है रोज, और बढ़िया वाला रोज किया है। अभी अभी उनकी वीडियो आई है कुछ घंटे पहले, तो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इसको रोज करने के बाद में पायल जोन तो आने वाली है, मतलब हाईलाइट होने वाली है। वैसे ट्रिगर्ड इंसान कोई कमी नहीं छोड़ते पायल जोन को हाईलाइट करने में, दोनों एक दूसरे को हाईलाइट करने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो भी पायल जोन के बारे में है। पायल जोन का होने वाला है चैनल डिलीट। वैसे मैं पिछले एक साल से यही न्यूज़ सुन रही हूँ, पायल जोन गया, पायल जोन गया, पायल जोन गया, आज तक तो नहीं गया। तो पायल जोन के खिलाफ कल का लोंडा ने एक जो है यूट्यूब को टेक डाउन रिक्वेस्ट की है। तो वो बोल रहे हैं कि इस बार तो पायल जोन का चैनल चला ही जाएगा, क्योंकि शायद पायल जोन के चैनल पर ऑलरेडी 2 स्ट्राइक है और ये 3री स्ट्राइक पड़ी है। खैर, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी मचाई हुई है। ऐसे ही चैनल, मैं आज एक चैनल के बारे में आपको दूंगी, आप उस चैनल पर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। वो चैनल आई थिंक यूट्यूब का सबसे भद्दा चैनल है। इतना बेशर्मी और इतनी बेहूदगी कोई नहीं दिखा सकता जितनी उस चैनल ने दिखाई है। तो उसके बाद थर्ड न्यूज़ आती है डीजे बॉय साजिद खान के बारे में। सो फाइनली कल मैंने उनकी न्यूज़ दी थी कि वो खो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, लेकिन कल ही मेरे पास ये न्यूज़ आ गई थी। मतलब किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वो मिल गए हैं, तो उनका जो चैनल है उस पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, सिलेक्टेड वीडियो भी डाली है। डीजे बॉय साजिद खान उनका चैनल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो फाइनली मिल गए हैं और अपने घर आ गए हैं। तो बच्चों सेफ रहो, ऐसे घूमो फिरो नहीं। फोर्थ न्यूज़ आती है कि यूट्यूब ने अपना नया अपडेट किया है। उस अपडेट के अनुसार जो भी लोग अपने जो सब्सक्राइबर है उन्हें हाइड करके बैठे हैं, तो यूट्यूब अब 28 जुलाई से उनको अनहाइड कर देगा अपने आप से। इससे क्या होगा, जो स्पैम सब्सक्राइबर होते हैं ना, आपने देखा होगा कहीं ऐसे वो लोग होते हैं जो एक ही टाइप के कॉमेंट करते रहते हैं, वो सब उड़ जाएंगे। तो ये किसी तरीके से तो अच्छी न्यूज़ है, किसी तरीके से बेकार है यार। सब कुछ पोल खुल जाएगी कि हमारे कितने सब्सक्राइबर, ये तो बहुत बेकार किया उसने। खैर, ये न्यूज़ है। फिफ्थ आती है अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक का भी एक नया गाना रिलीज़ हुआ है जो कि ट्रेंडिंग में सेक्शन में आ गया है। पहले वो 2 नंबर पे था कल तक, और अब 3 नंबर पे आ चुका है। तो इस पे अरमान मलिक और उनकी फैमिली ने काफ़ी खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रेंडिंग में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इस चैनल पर फर्स्ट सॉन्ग है और इस तरीके से ट्रेंडिंग में आना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो 6 न्यूज़ आती है अर्जुली व्लॉग्स के बारे में। इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारी न्यूज़ दे रही हूँ और लोगों ने मुझे जो है मतलब काफ़ी गालियाँ भी खा रही हूँ। खैर, अर्जुली व्लॉग्स से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि उनका जो अभी हैशटैग चलाया गया था, पीपोए द्वारा भी ये रिक्वेस्ट की गई थी और बहुत से लोगों ने आपने सबने मिलके ये रिक्वेस्ट की थी, रिलीज CCTV फुटेज जो आपका हैशटैग चला गया था। तो फाइनली उनकी CCTV फुटेज आ चुकी है। सारी फुटेज उन्होंने अपने चैनल पर डाली है, साथ में वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा जिससे आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि कोई घपला तो नहीं है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उससे साफ जाहिर यह हो रहा है जो न्यूज़ स्टार्टिंग से अब तक हम चला रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है, उसमें कुछ भी घपला नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें खुल के सामने आ रही है, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि अब तक भी इंसाफ नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग अब तक भी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं हुई है कि उनको इंसाफ मिले। निक्की तंबोली के लिए नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है। निक्की तंबोली वही जो बिग बॉस वाली है, तो उनका जो टेस्ट है कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे हैवीली सिम्टम्स दिख रहे हैं कोविड के, और मुझे COVID-19 जो है, मैं कोविड पॉजिटिव आई हूँ। तो प्लीज़ जो भी मुझसे मिला है इस दौरान वो जाके अपना कोविड टेस्ट करा लीजिएगा। तो होप नहीं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और जल्दी से अपने काम पर वापस आ जाए। तो करते हैं न्यूज़ को यहीं एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा थोड़ी थोड़ी सी। बाय बाय।